भरतपुर सोनत की विधायक रेणुका सिंह ने इसी साल फरवरी के महीने में बोर्ड परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्रों को स्कूटी देने की घोषणा की थी। उन्होंने अपना वादा 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन पूरा भी किया। जनकपुर के शासकीय इस कॉलेज में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने 10वीं और 12वीं की टॉपर छात्राओं को स्कूटी दी। विधायक रेणुका सिंह ने पिछले साल के टॉपर छात्राओं को स्कूटी देने के साथ ही 2025 में बोर्ड परीक्षा में टॉप आने वाले भरतपुर सोनहत विधानसभा के छात्र छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि जनकपुर से दो छात्राओं ने अच्छे अंक लाए, उन्हें प्रेरणा स्वरूप स्कूटी की चाबी दी गई। आने वाले समय में मनेन्द्रगढ़ और कोरिया के टॉपर छात्रों को उनकी पसंद का लैपटॉप दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात और चाय के साथ हवाई जहाज से दिल्ली की यात्रा कराई जाएगी। चांग भट्टा को जिला बनाने की घोषणा की है। ये केवल महज वोट देने के लिए विधायक बनने के लिए बल्कि इस क्षेत्र की आवश्यकता को समझते हुए मैंने चांग भट्टा की घोषणा की। जब मैं जिले की कल्पना कर सकती हूँ तो इस बात की कल्पना की शिक्षा के क्षेत्र में हमें और अधिक कुछ करने की जरूरत है। मैंने आने वाले समय के लिए 10वीं 12वीं के जो टॉपर बालक और बालिका ये मनगढ़ विकासखंड के हमारा विधानसभा क्षेत्र है और उधर कोरिया जिले का जो सोनत विकासखंड है, दोनों जिले के दोनों क्षेत्रों के लिए मैंने एक उनकी पसंद का लैपटॉप देने की घोषणा की है। और साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, उनके साथ जाए और फिर उन्हें हवाई जहाज से दिल्ली की यात्रा कराऊंगी, दिल्ली के प्रमुख स्थलों को उनको दिखाऊंगी। और फिर पूरी कोशिश रहेगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने समय के लिए। ये एक उड़ान है और पंख लगाने की जिम्मेदारी मैंने यहाँ के सभी से